इस कविता का शीर्षक चेतक की वीरता है और कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। वह बहुत ही समझदार, निडर, फुर्तीला और वीर घोड़ा था। अकबर के साथ युद्ध के समय चेतक ने 26 फुट गहरे नाले को लांघकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। इस कविता में जीवन मूल्य जैसे निडरता, साहस, स्वामी भक्ति, पशु प्रेम और कुशलता की व्याख्या की गई है। मैं आप लोगों को एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप चेतक के चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाते थे ताकि शत्रुओं के हाथियों को असमंजस में डाला जा सके। चेतक बहुत ही वीर घोड़ा था। वह 300 किलो तक का वजन ले जा सकता था, जिसमें महाराणा प्रताप के भाले का वजन ही 81 किलो था और उनकी छाती का कवच 72 किलो का। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ लीली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौरा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं वह वही रहा अब वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते न दशा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकरार वज्रम बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग।